हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ची गार्डन में। फ्रेंड्स, देख सकते हैं किस तरह से मैंने गार्डन की सफाई की है, क्योंकि फरवरी का मंथ चल रहा फ्रेंड और मुझे बाहर जाना था। तो 4 दिन के बाद मैं गार्डन में आई तो बहुत सारा प्लांट मेरा सूखा पड़ा था, लेकिन सभी में पानी डालने के बाद जो भी मेरा गार्डन हुआ वर्क हुआ, देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्लांट के जिसके रूट्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक कुड़ाई करने पर आ गया था, सबके रूट्स प्रूनिंग कर दी और देख सकते हैं प्लांट की भी कटाई छटाई कर ली। फिर ये मेरा एक जोड़ा प्लांट है, इधर भी देख सकते हैं, और जितना भी विंटर गार्डन का भी प्लांट है फ्रेंड, सभी में मैंने अच्छे से कंपोस्ट वगैरह डाल दिया है, देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ किस तरह से ये फ्लावर हो रहा है देख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि जब तक गर्मी धूप नहीं लगेगा प्लांट में फ्लावर नहीं होगा। और आप देख सकते हैं ये प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है, देख सकते हैं इसमें भी ग्रोथ होना शुरू हो गया है। विंटर में इसमें एक भी इसमें पत्ते नहीं रहते, लगता है एकदम पूरा सूख गया है, लेकिन देख सकते हैं इसमें भी हल्की हल्की ग्रोथ होना शुरू हुई। और बहुत सारा जो है बोगनवेलिया भी देख सकते हैं फ्रेंड, कटिंग कर दी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून कर दी थी, क्योंकि बहुत जल्द तेज़ी से बढ़ता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इन दोनों को तो रूट्स भी प्रून करना पड़ा फ्रेंड, और आज जो है इसको कटाई छटाई अच्छे से कर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत सारा प्लांट को लगा भी दिए, देखिए इधर भी लगा दिए हैं, इधर भी लगा दिए बोगनवेलिया को, क्योंकि मेरे पास बोगनवेलिया का बहुत सारा प्लांट है, लेकिन और भी प्लांट बन जाएगा तो अच्छा लगता है। इधर भी देख सकते हैं जितना हिबिस्कस था सबको कटिंग करके लगा दिए हैं, तो एक लाइन जो है पूरा अच्छे से कटिंग वगैरह कर लिया और सभी को अच्छे से कंपोस्टिंग में डाल दिए हैं। जिसमें कटिंग नहीं करना था, छोटा प्लांट था, उसको नहीं ज़्यादा कट किए हैं, लेकिन देख सकते हैं ये सब विंटर प्लांट में भी थोड़ी थोड़ी सी कंपोस्ट डाल दिए हैं। और कंपोस्ट में जो सिंपल कंपोस्ट होता है फ्रेंड वही डालते हैं, लेकिन जो भी प्रून कलर किए हैं प्लांट को, जो इस तरह से देख सकते हैं परमानेंट प्लांट है, उसकी अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी निकाल करके उसमें कम से कम 1 से 2 मुट्ठी अच्छे से वर्मी कंपोस्ट, बोन मिल, सीविड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको मिला करके डाल दिए थे। और नीम खली, नीम का पाउडर भी बहुत ज़रूरी होता है, देख सकते हैं इधर भी जरबेरा देख सकते हैं, इसमें कितना अच्छा फ्लावर भी हुआ है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड ये जो है एक कटिंग से लगा हुआ प्लांट था, 3 प्लांट लगाए थे फ्रेंड, लेकिन एक जो कटिंग लगा तो नीचे मेरी जो बड़ी गोतनी है जेठानी है वो लेके चली गई मांग करके, तो एक मेरे पास में रह गया और एक जो था ख़राब हो गया था। ये मेरे जो काम करती है वो ला करके दी थी कि ब्लू कलर का फ्लावर होता है, तो फ्लावर बड्स तो अभी नहीं बना है, लेकिन देख सकते प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ कर गया। इसमें भी 15 दिन पहले कंपोस्ट भी डाल दिए थे, तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मेरे यहाँ हॉलीहॉक्स में फ्लावर देगा, इससे पहले फ्लावर नहीं दे रहा था, यह देख सकते हैं जरबेरा, बस यहीं तक किए हैं। फिर एक कोना जो है यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक दिन में नहीं बन पाता है, और आप कहीं भी बाहर जाइएगा तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर में भी बहुत सारा कपड़ा वगैरह भी धोना था, उसको धोने के बाद इसे देख सकते हैं सभी में अच्छे से, देखिए इसका रूट्स प्रून कर दिए थे, क्योंकि प्लांट को ऊपर से नहीं कट किए थे, क्योंकि प्लांट वगैरह बहुत हेल्दी है, बहुत बड़ा भी नहीं है, तो देख सकते हैं इसके भी रूट्स प्रून करके नया प्लांट लगा दिए थे। इस तरह से कुछ मैंने गार्डन में वर्क किया, 2-3 घंटा केवल इतना ही गार्डन में काम करने में लग गया था। फिर ये देख सकते हैं पिटूनिया भी ग्रो बैग में लगा दिए थे, और बहुत सारा मिट्टी भी निकला है वो सब भी, और भी पॉट जो खाली हो जाएगा उस सब में लगाते भी चले जाएंगे। कल से जो है यहाँ से स्टार्ट करना था, इस कोना से लेकर के एक कोना तक जो है पूरा करना है। इस तरह से करके एक दिन में तो नहीं हो पाता है, कम से कम को गार्डन में छत पर 4 से 5 दिन लग जाएगा। तो इस तरह से गार्डन वर्क किए हैं फिर, और बहुत सारा डेनियम का प्लांट जो है उसको भी निकाल निकाल करके रख दिए हैं। ये देख सकते हैं फिर ये जो है 4 प्लांट जो है उतना बीच में 4 प्लांट मिला था, तो एक में थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा रूट जो है ख़राब हो रहा है, कॉडेक्स जो है, तो वहाँ से उसको कट कर देंगे। और ये कम से कम 10 से 12 साल पुराना प्लांट है, ये हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, उसको कट करके लगाते जाते हैं, और ये सब तो कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, तो इसको 2 से 3 दिन से छोड़ देंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मिट्टी को झाड़ देंगे। आज वो छोड़ दिए, कल मिट्टी को झाड़ करके फंगीसाइड पाउडर में डाल करके इसी तरह से इसको 3-4 दिन कम से कम सप्ताह भर आपको इस तरह से बाहर रखना होगा। उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से मिट्टी मिला करके कंपोस्ट मिला करके रेत में लगा दें। लगाते समय का वीडियो भी आपको जरूर शेयर करेंगे फ्रेंड। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरा हिबिस्कस में फ्लावर देना शुरू हो गया। मेरा हिबिस्कस का स्थिति बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा तेज़ जब ठंड पड़ती है फ्रेंड, जो भी बर्ड्स भी बना हुआ रहता है उसी तरह बना रह जाता है। तो आप देख सकते हैं अच्छी सी, देख सकते हैं सभी में अच्छे अच्छे से ब्रांच निकलने शुरू हो गया। अभी इधर का बीज कटाई छटाई जो है और कंपोस्टिंग ये सब अब 2-3 दिन के बाद करेंगे।
ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।